हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिएगा खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है ये है टी लेफ्ट के लिए। पहले हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी एल लेफ्ट, और आज हम आपको बता रहे हैं टी लेफ्ट, जो कि दोनों ही लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेस्ट के दौरान। वो आपका असेसमेंट टेस्ट हो या एग्जामिनर के साथ फाइनल टेस्ट हो, तो एग्जामिनर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेक करता है, देखता है। तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझने की कोशिश करें, तो आपका ये जो टी लेफ्ट और एल लेफ्ट है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। देखिए इधर ये जो स्टॉप लाइन है, अभी आपका ये ट्रक, आप यहाँ से आ रहे हो, यहाँ आपके आके स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये आपकी जो ट्रक की फ्रंट शो है, जो बोनट है या बम्पर है, जो भी है, वो ये लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये स्टॉप लाइन है। ठीक है, अगर इसे बाहर खड़ा करोगे तो इधर से या उधर से ट्रैफिक आने वाले के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो और दूसरी बात, ना फिर ज़्यादा दूर खड़ा करना है आपने। यहाँ पर यहाँ खड़ा करोगे तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो दरख्त लगे होते हैं रोड के ऊपर, वो दरख्त आपका व्यू क्लियर नहीं होने देंगे। मतलब आपको रोड पे आती हुई गाड़ी दूर से नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो कोशिश करें ये लाइन के पास खड़ा करें, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ से आपने ऐसे लेफ्ट टर्न करना है। ठीक है, ये लेफ्ट टर्न करने के बाद के साथ ही बाहर वाली लाइन में आना है, लास्ट लाइन में। और कोशिश करें आपकी ये जो बाउंड्री है, ये येलो लाइन लगी हुई है, इससे बाहर आपकी शो जो है वो नहीं जानी चाहिए। अगर इससे बाहर शो हो जाती है तो ये फेल हो जाते हैं बंदा। ठीक है, तो कोशिश करें इसके अंदर अंदर रखें। जैसे हमने आपको लेफ्ट एल लेफ्ट के लिए बताया था, ऐसे ये टी लेफ्ट भी है। तो कोशिश करें यहाँ से लेफ्ट जाने के लिए आप अपने ट्रैक में रखें। जो ही आपका ट्रक यहाँ पर सीधा हो जाता है, उसके बाद आपने दोनों मिरर देखने हैं और इंडिकेटर बंद करना है, और उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। यहाँ रुकने से पहले आपको इंडिकेटर जो है वो ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अभी यही वीडियो आपको हम आप प्रैक्टिकल में आपको दिखाते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें, पूछें, हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या था? टी लेफ्ट। जैसे दो लेफ्ट होते हैं, एक एल लेफ्ट और एक टी लेफ्ट। एल लेफ्ट की वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो या देख रहे हैं, और अभी हम आपको बताएंगे टी लेफ्ट। गुड लक, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस देखें आप प्रैक्टिकल में, ये जंक्शन के फोटोज बने हुए हैं, आप इनको गौर से देखें। तो इसके साथ ही अभी वीडियो शुरू हो जाएगी। देखिए अभी ट्रक आ रहा है टी लेफ्ट के लिए। यहाँ पर ट्रक को थोड़ा सा पहले रोका हमने, वहाँ पर हमारा व्यू क्लियर नहीं था आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, फिर दोबारा उसको थोड़ा सा आगे किया। जब आगे किया तो फिर हमारा व्यू जो क्लियर हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लाइन के पास खड़ा करें, और यहाँ से हम लेफ्ट, इंडिकेटर हमारा चल रहा है, अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे जब क्लियर होगा। देखें एक गाड़ी आ रही है वाइट कलर की, ये गाड़ी जो ही क्रॉस करेगी हमें तो उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अभी रोड क्लियर हुआ, हमने मूव किया तीसरे गियर में और लेफ्ट टर्न किया। देखिए अभी हमारा जो बोनेट है, जो बम्पर या शो है, ये लाइन से बाहर नहीं गई, तो ये बिल्कुल सही टर्न है। इसको हम लोग कहते हैं टी लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने भी टी लेफ्ट करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, आपका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।